कुछ करेंगे दीदी, जो समस्या है उकर हल होई, अपन पति के लिए दवाई के लिए करेंगे, उकर से बढ़कर तो है नहीं है ना। का करबो, अब कुछ भी जरूरत का काम करेंगे, लेना देना है कुछ भी लेना देना करेंगे। अब 1000 तो ऐसे मिलत नहीं, घर में बैठे तो कहाँ से 1000 मिली मैडम, अब कुछ भी करना छे। 20000 मिला पर घर अच्छा से बनवाई हूँ, उसी के द्वारा बनवाई हूँ। मैं तो गरीब हूँ, मेरे को पेंशन भी नहीं मिलता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम आएगा, बहुत सारे काम आएंगे। कैसी लगी सरकार की ये योजना? बहुत अच्छी लगी, और काफी दिन से इस योजना का इंतजार था और अब जाके आई है। अब देखो, मैं भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाने शुरू हो चुके हैं। महज एक दिन में ही दुर्ग जिले में 1,04,000 महिलाओं ने आवेदन दिया और 13,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन जमा भी कर दिया। और आज हम खड़े हैं सुपेला के नेहरू भवन में, जहां पर महिलाएं यहां पर फॉर्म जमा करने के लिए पहुंची। महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है, सुबह 7 बजे से ऐसे ही भीड़ लगी हुई है और लगातार महिलाएँ इस फॉर्म को फिलअप करें, सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो भी पूरी कर रही है। क्या सोचना है इन महिलाओं का, आइए जानते हैं। कुछ करेंगे दीदी, जो समस्या है उकर हल होई, अपन पति के लिए दवाई के लिए करेंगे, उकर से बढ़कर तो है नहीं है ना। तो ये पैसा मिलेगा तो आपको बहुत काम आएगा? हाँ, बहुत काम आएगा। हम तो खुद काम करते हैं दीदी, आज छुट्टी है तो यही आए, 1000 मिल गए वही बहुत है। कम से कम पति के तो दवाई के लिए इलाज होगा ना, पैसा। लकवा पेशेंट है दीदी, बात नहीं कर सकते, चल नहीं पाते हैं वो। कोई पैसा मिलेगा क्या करोगे? क्या करबो, अब कुछ भी जरूरत का काम करेंगे, लेना देना है कुछ भी लेना देना करेंगे। अब 1000 तो ऐसे मिलत नहीं, घर में बैठे तो कहाँ से 1000 मिली मैडम, अब कुछ भी करना छे। सरकार दे रही तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दे ले, पहले हाथ में आ ले, पैसा अकाउंट में आ ले, तब पता चले। बहुत अच्छा लगा थे, अब गरीब मन के सहारा कर रहा है, मेरा घर बनवाया है। कौन से घर? आवास वाले पैसा दिया, हाँ मोदी जी वाला पैसा दिया, 2.5 लाख 2,20,000 मिला, पर घर अच्छा से बनवाई हूँ, उसी के द्वारा बनवाई हूँ। मैं तो गरीब हूँ, मेरे को पेंशन भी नहीं मिलता है। पेंशन के लिए जाओ तो भोज पार्षद लोग अभी रुक जाओ ऐसे बोल के मेरे को बोल देते हैं। मालिश वालिश करती हूँ, जिंदगी चलाती हूँ। क्या अभी 1000 रुपये मिलेगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे बेटा, दवा पानी में लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, साग सब्जी लेंगे, है ना भाई? क्या क्या करोगे जो भी बन जाएगा, जितना भी हो दे रहा है ना अपने तरफ से, फिर कमाएंगे तब तो और पैसा आएगा ना। तो मोदी दे रहा है अपने तरफ से ना, उसी में उसको धन्यवाद है। 1000 रुपये मिलेगा क्या करोगे? इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम आएगा, बहुत सारे काम आएंगे। कैसी लगी सरकार की ये योजना? बहुत अच्छी लगी, और काफ़ी दिन से इस योजना का इंतजार था और अब जाके आई है। अब देखो, खाते में पैसा आए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या कर रहे हैं, योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। क्या करोगे आप? जो बच्चे लोग के मैं दवाई बीरो में चलाएंगे, और क्या करेंगे। बहुत खुशी हुई, अब मेरे पास क्या करोगे पैसे का? जब जरूरत होगा उसमें काम आएगा, महिलाओं को तो चाहिए ही रहती है, किसी से हाथ कराना नहीं पड़ेगा। महतारी वंदन का फॉर्म ले लियो, हाँ, कैसा लग रहा है सरकार की? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग को योजना मिला है सरकार के तरफ से, आंगनबाड़ी से कल मिला है, आज जमा करने के लिए डेट दिए थे, हम लोग अभी गए नहीं है, शाम के जमा करेंगे 4 बजे। क्या करोगे पैसे का, कितना काम आएगा आपको ये पैसा? ये बहुत काम आएगा, अब एक मौका पर नहीं रहेगा तो सरकार एक लेखा से लेडीज लोगों के बहुत सुविधा है, ऐसा है कि नहीं है? हम लोग को तो अभी अभी फॉर्म मिला है, यहीं पर अभी भरेंगे, जमा करेंगे। कैसा लग रहा है, 1000 रुपये महीने आएंगे, कभी खाते में ऐसा जमा हो नहीं पाता था? नहीं भैया, हम लोग का तो कमाने वाला उतना नहीं है कि हर महीना जमा करेंगे, कमाने खाने वाले हैं तो भाई उसी में बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। पैसा कितना काम आएगा आपके? कुछ भी काम आ जाएगा, नहीं रहेगा मौका पर तो वही काम आ जाएगा। सरकार की योजना लाइए, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए अच्छा है, दिए हैं तो अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है, कुछ में काम लगेगा, ऐसा थोड़ा नहीं है कि पैसा कहीं नहीं काम आएगा, कम ही आएगा। सरकार अच्छा है भाई, देते रहेंगे तो अच्छा ही है। बहुत सहयोग होगा, जिस जो 1 रुपया नई महिलाएं कमा रही है उसके लिए तो बहुत सहयोग हो जाएगी। आप क्या करोगे, आपको मिलेगा तो आपके लिए क्या होगा? ये पैसा कितना मायने रखता है? बहुत मायने रहता है कि मतलब कोई ऐसा ज़रूरी काम जो रुक जाता है, इसका है, इस पैसे से हो जाएगा गरीबों का।
हाँ हो गया। इस योजना के बारे में क्या कहना चाहूँगी, सरकार ने योजना लाई है कैसी, महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा? अच्छा है, अच्छा ही फायदा मिलेगा, सभी लेडीजों को अच्छा ही फायदा मिलेंगे, अच्छा योजना निकाले हैं लेडीज लोगों के लिए। और ये आप क्या करोगे 1000 रुपए का, आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं हैं, उस पैसा से भाई काम तो आएगा ही ना वो पैसा, इसीलिए धन्यवाद सरकार नया जो बना है उसको। क्या बोलूं मैं, अच्छा लग रहा है, मतलब हतारी योजना फॉर्म मिला है तो अच्छा कि हम लोग को घर बैठे 1000 रुपया हर महीने मिल जाएगा। ये योजना लाई है भाजपा सरकार ने, क्या कहना चाहोगे? भाजपा सरकार ने अच्छा योजना लाई है, ठीक है, सबको फायदा होना चाहिए, नहीं कम से कम 1000 रुपये मिल रहे हैं, बच्चे के लिए कुछ कर लेंगे, अपने लिए कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ। धन्यवाद नहीं करना, धन्यवाद करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, कभी तो कोई दिए नहीं सरकार, पहली बार तो कोई ना कोई दे रहे हैं भाजपा सरकार, धन्यवाद, धन्यवाद है, बहुत 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 धन्यवाद है भाजपा सरकार का जो हम लिए इतना लाभ उठाए हैं। भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाने शुरू हो चुके हैं, महज एक दिन में ही दुर्ग जिले में 1,04,000 महिलाओं ने आवेदन दिया और 13,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन जमा भी कर दिया। और आज हम खड़े हैं सुपेला के नेहरू भवन में जहां पर महिलाएं यहां पर फॉर्म जमा करने के लिए पहुंची, महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है, सुबह 7 बजे से ऐसे ही भीड़ लगी हुई है और लगातार महिलाएं इस फॉर्म को फिलअप करें, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी कर रही है। क्या सोचना है इन महिलाओं का, आइए जानते हैं। कुछ करेंगे दीदी, जो समस्या है उकर हल हो, अपन पति के लिए दवाई के लिए करेंगे, उकर से बढ़कर तो है नहीं है ना। तो ये पैसा मिलेगा तो आपको बहुत काम आएगा? हाँ बहुत काम आएगा, हम तो खुद काम करते हैं दीदी, आज छुट्टी है तो यही आए, 1000 मिल गए वही बहुत है, कम से कम पति के तो दवाई के लिए इलाज होगा ना पैसा, लकवा पेशेंट है दीदी, बात नहीं कर सकते, चल नहीं पाते हैं वो। कोई पैसा मिलेगा क्या करोगे? क्या करबो, अब कुछ भी जरूरत का काम करेंगे, लेना देना है कुछ भी लेना देना करेंगे, अब 1000 तो ऐसे मिला नहीं, घर में बैठे तो कहाँ से 1000 मिली मैडम, अब कुछ भी करना छे। सरकार दे रही तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दे ले ले पहले हाथ में आ ले ले पैसा अकाउंट में आ ले ले तब पता चले, बोल बहुत अच्छा लगा थे, अब गरीब मन के सहारा कर रहा है, मेरा घर बनवाया है कौन से घर, आवास वाले पैसा दिया, हाँ मोदी जी वाला पैसा दिया, 2.5 लाख 2,20,000 मिला, पर घर अच्छा से बनवाई हूँ, उसी के द्वारा बनवाई हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे को पेंशन भी नहीं मिलता है, पेंशन के लिए जाओ तो भोज पार्षद लोग अभी रुक जाओ ऐसे बोल के मेरे को बोल देते हैं, मालिश वालिश करती हूँ, जिंदगी चलाती हूँ, क्या अभी 1000 रुपये मिलेगा तो क्या करोगे भी? क्या करेंगे बेटा, दवा पानी में लगाएंगे, खाएंगे पियेंगे, साग सब्जी लेंगे, है ना भाई, क्या क्या करोगे जो भी बन जाएगा, जितना भी हो दे रहा है ना अपने तरफ से, फिर कमाएंगे तब तो और पैसा आएगा ना, तो मोदी दे रहा है अपने तरफ से ना, उसी में उसको धन्यवाद है। 1000 रुपये मिलेगा क्या करोगे? इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम आएगा, बहुत सारे काम आएंगे। कैसी लगी सरकार की ये योजना? बहुत अच्छी लगी, और काफ़ी दिन से इस योजना का इंतजार था और अब जाके आई है, अब देखो खाते में पैसा आए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या कर रहे हैं, योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। क्या करोगे आप? जो बच्चे लोग के मैं दवाई बीरो में चलाएंगे और क्या करेंगे। महतारी वंदन को लेकर खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की महिलाएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो घर में बैठी हैं और कुछ कमा नहीं रही हैं तो उनके लिए यह राशि एक बड़ी मददगार के रूप में साबित होगी, न सिर्फ उससे वे अपने शौक को पूरा कर पाएंगी बल्कि अपने बच्चों की ज़रूरतें, अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगी। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।